साइन कोस वर्क और आयत पाइथागोरस जैसे नियम बहुतायत कब होता है लाभ कौन से सौदे में हानि है रुचिकर वातावरण बनाकर मन से तुम्हें सिखानी है। नमस्कार, मैं पंकज गोयल, आप सीखेंगे गणित मेरे साथ लक्ष्य के मंच पर। नमस्कार, तेज हरिणा के फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज है 3 फरवरी दिन बुधवार। यदि आप हरियाणा से हैं और अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हरियाणा की हर छोटी और बड़ी अपडेट आप तक हम पहुंचा पाएं। चलिए बिना कोई वक्त गवाए, बिना किसी देरी शुरुआत करते हैं हरियाणा की सुबह सुबह की 25 ताज़ा खबरों की। किसान आंदोलन का आज 70वां दिन। पुलिस ने बॉर्डर पर किले और नुकीले सरिये बिछाए। तोमर बोले, सभी मुद्दों पर संसद के अंदर और बाहर चर्चा को तैयार सरकार। कृषि कानूनों के खिलाफ 69 दिन से प्रदर्शन कर रहे किसानों की नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्रदर्शनकारी दिल्ली में न घुस पाए, इसके लिए पुलिस कई जतन कर रही है। सिंघू टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेटिंग की जा रही है। दिल्ली हरियाणा को जोड़ने वाले सिंघू में 4 लेयर की बैरिकेटिंग के साथ सीमेंट के अवरोधकों के बीच लोहे की छड़े लगाई जा रही है। इधर कृषि कानूनों पर संसद में जोरदार हंगामे के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार सदन के अंदर या बाहर किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि ये आंदोलन जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, अक्टूबर से पहले इसका समाधान नहीं निकल सकता। हमारा एक ही नारा है, जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी भी नहीं। टिकरी पर 4 लेयर की बैरिकेटिंग, 4 फीट मोटी सीमेंट की दीवार बनाकर 4 लेयर में बैरिकेटिंग की गई है। अब सड़क खोदकर उसमें नुकीले सरिये लगा दिए गए हैं। मार्ग पर रोड रोलर भी खड़े किए गए हैं। ट्रैक्टर पर सवार किसान अगर नुकीले सरिये पार कर दिल्ली में घुसने की कोशिश करेंगे तो कीलों की वजह से गाड़ी पंक्चर हो जाएगी। वहीं पर पुलिस ने बैरिकेटिंग पर दिया सवालों का जवाब। रास्तों को बंद करने पर सवाल उठे तो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने कहा कि मुझे हैरानी है, 26 जनवरी को पुलिस पर हमला किया गया, बैरिकेटिंग तोड़ेंगे तब किसी ने कोई सवाल नहीं किया। हमने सिर्फ बैरिकेटिंग मजबूत की है ताकि इसे दोबारा ना तोड़ा जा सके। वहीं किसान आंदोलन में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक इसमें 510 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इधर किसान संगठनों ने ऐलान किया है कि 6 फरवरी को नेशनल और स्टेट हाईवे को जाम किया जाएगा। भारतीय किसान मोर्चा के नेता बलवीर सिंह ने कहा कि शनिवार को दोपहर 12 से 3 बजे तक नेशनल और स्टेट हाईवे को ब्लॉक किया जाएगा। इसी बीच एसएमयू ने कहा है कि जिन 128 लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनकी कानूनी मदद के लिए कमेटी बनाई गई है। दूसरी ओर दिल्ली की सेवाओं पर देश भर से किसानों के जत्थों का पहुँचना जारी है। पंजाब में अकाली कांग्रेस कार्यकर्ताओं में लाठियां गोलियां चली, पथराव भी हुआ, सुखबीर बादल की गाड़ी में तोड़फोड़। पंजाब में निकाय चुनाव को लेकर माहौल गर्माने लगा है। इसी कड़ी में मंगलवार को यानी 2 फरवरी को जलालाबाद में श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव किया, लाठियां भांजी और गोलियां भी चलाई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिएद प्रमुख सुखबीर सिंह बादल की गाड़ी भी तोड़ दी। जलालाबाद काउंसिल चुनाव के लिए मंगलवार को अकाली प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने आए थे, इनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और फिर तोड़फोड़ पर उतर आए। तरन तारण में भी दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में टकराव हुआ है, यहां भी फायरिंग की खबरें मिली हैं। निकिता तोमर की जान के मुख्य आरोपी तौशीफ की याचिका हाईकोर्ट में खारिज, दोबारा जाँच की मांग की गई थी। हरियाणा के फरीदाबाद के बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड को लेकर मंगलवार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले के मुख्य आरोपी तौशीफ की तरफ से लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट में तौशीफ ने कहा था कि राजनेताओं, मीडिया और पंचायत के दबाव के कारण पुलिस ने पूरी तरह से तत्वरित और पूर्व निर्धारित तरीके से सिर्फ 11 दिन की समय सीमा में जाँच करके चालान पेश कर दिया। जल्दबाजी के चक्कर में कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं अपनाया गया। इसकी याचिका पर बीती 22 जनवरी को हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन आज फैसला सुना दिया गया। महिला और बच्चों के नारों से गुंजा पानीपत टोल प्लाजा, लंगर के लिए मटर छिलवाकर सिंघू बॉर्डर रवाना। पानीपत टोल प्लाजा मंगलवार को महिलाओं और बच्चों के नारों से गूंज उठा। एक ट्रॉली में केवल महिलाएं बच्चे ही थे, उन्होंने कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए जमकर नारेबाजी की। इसके बाद महिलाओं ने लंगर के लिए मटर छिलवाई और फिर सिंघू बॉर्डर के लिए रवाना हो गई।
किसान आंदोलन में पुरुषों के साथ महिलाएं और बच्चे भी खूब भागीदारी कर रहे हैं। मंगलवार को पानीपत के चंदोली गांव से ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर करीब 20 महिलाएं और बच्चे टोल प्लाजा पहुंचे। महिलाओं और बच्चों ने कृषि कानूनों को वापस लेने के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। महिलाओं और बच्चों को जोश देख यहां मौजूद किसान भी उनके साथ नारेबाजी करने लगे। महिलाओं में शामिल तमाम महिलाओं ने कहा कि किसान बीते 2 माह से अधिक समय से सड़कों पर हैं, इसके बाद सरकार की उनकी मांगे मानने को तैयार नहीं है, जहां पर अब बड़ी संख्या में महिलाएं भी सड़कों पर उतरेगी। रोहतक में दर्दनाक हादसा। रोहतक में एक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। हादसा दरअसल उस वक्त हुआ जब एक रिश्तेदारी में आए दोनों घर वापस लौट रहे थे। रास्ते में इनकी कार की एक ट्रैक्टर के साथ आमने सामने की टक्कर हो गई। इससे पहले कि कार सवार दोनों युवकों को हॉस्पिटल में ले जाया जाता, दोनों ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर हादसे के संबंध में आगे की जांच शुरू कर दी है। कार से आए और लूट ली कार। पानीपत में उरलाना में कार सवार बदमाशों ने पिस्तौल के दम पर लूटी कार व मोबाइल। मतलौडा थाना के क्षेत्र के उरलाना खुर्द नहर के पास कार सवार 3 बदमाशों ने पिस्तौल के बल पर सिंह के युवक से कार और मोबाइल लूट लिया। बदमाश दोनों कार में सवार होकर सफेदों की ओर भाग निकले। पीड़ित ने राहगीर की मदद से 100 नंबर पर कॉल की। मौके पर पहुंची उरलाना कलां चौकी पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू की है, लेकिन सफलता नहीं मिली है। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जिले के गांव सिंह निवासी परमिंद मलिक ने बताया कि वह सोमवार को अहमदपुर माजरा निवासी अपने दोस्त सरपंच और अमीर खान से मिलने उनकी हैचरी पर गए थे। वहीं रात को अपनी i20 कार से वापस लौट रहे थे। हांसी में बीजेपी MLA के भाई ने कांग्रेस प्रत्याशी के साथ मिलकर बाघ की जमीन पर काटी अवैध कॉलोनी। हरियाणा में हांसी के बीजेपी विधायक विनोद भयाना के भाई के खिलाफ अवैध कॉलोनी काटने के आरोप में केस दर्ज किया गया। मामला स्किनर्स हॉर्स रेजिमेंट के इतिहास में जुड़े हांसी के ऐतिहासिक मेम के बाग का है। जिला पुलिस ने 6 महीने बाद उसके हाई प्रोफाइल मामले में FIR दर्ज की है। पुलिस ने कांग्रेस नेता OP पंगाल, नरेंद्र भयाना, रमन भयाना समेत 5 व्यक्तियों के खिलाफ हरियाणा अर्बन एरिया एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। इसमें कांग्रेस नेता OP पंगाल कांग्रेस के टिकट पर पिछला चुनाव विनोद भयाना के खिलाफ लड़ रहे थे। 6 फरवरी को देश के सभी नेशनल और स्टेट हाईवे जाम करेंगे किसान। नए कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों ने 6 फरवरी को दोपहर 12 से 3 बजे तक देशभर के नेशनल व स्टेट हाईवे जाम करने का ऐलान किया है। दूसरी ओर दिल्ली की सीमाओं पर देशभर से किसानों के जत्थों का पहुंचना जारी है। गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस भी राजधानी की किलेबंदी में जुट गई है। किसान दिल्ली में न घुस पाए इसके लिए कुंडली बॉर्डर व टेकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर 12 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। प्रदेश में जनवरी का राशन 6 फरवरी तक किया जाएगा वितरित। जो नहीं ले पाए अब उनके पास मौका। राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जनवरी 2021 के राशन का वितरण आगामी 6 फरवरी तक कर दिया जाएगा। जो लाभार्थी जनवरी के राशन प्राप्त करने से वंचित रह गए थे, अब वे आगामी 6 फरवरी तक संबंधित राशन डिपो से अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट सेवाओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है ताकि कोई भी लाभार्थी राशन प्राप्त करने से वंचित न रह सके। हरियाणा के 7 जिलों में अभी भी इंटरनेट रहेगा बंद। हरियाणा सरकार ने 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट की सेवा फिलहाल बंद करने का फैसला किया है। हरियाणा सरकार की तरफ से प्रदेश के 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट की सेवाओं को 3 फरवरी की शाम 5 बजे तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। इसमें कैथल, पानीपत, जींद, रोहतक, चरखी दादरी, सोनीपत और झज्जर में वॉइस कॉल को छोड़कर बाकी की 2G, 3G, 4G तमाम सेवाओं और मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं को बंद करने की जो कि अवधि बढ़ा दी गई है। हरियाणा विधानसभा का बजट सेशन 26 फरवरी से 3 या 4 मार्च को पेश होगा बजट। हरियाणा विधानसभा सचिवालय ने बजट सत्र की तैयारियां आरंभ कर दी हैं। बजट सत्र में भाग लेने के लिए मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन जरूरी नहीं है, लेकिन सभी को मास्क अवश्य तौर पर पहनना होगा। विधानसभा में प्रदेश के दौरान एहतियात के तौर पर माननीयों व अधिकारियों का नियमित रूप से टेम्परेचर चेक होगा। उनके हाथ सैनिटाइज भी करवाए जाएंगे, जहाँ पर विधानसभा हर रोज सैनिटाइज हुआ करेगी ताकि किसी जनप्रतिनिधि या अधिकारी को अचानक परेशानी का सामना न करना पड़े। इनेलो के प्रधान महासचिव पूर्व विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि प्रदेश में चल रहे किसान आंदोलन में निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को अपनी गलती का एहसास करना पड़ेगा। काले कानून वापस लेने होंगे और इसमें किसान की जीत अवश्य होगी। वे मंगलवार को इनेलो के स्थानीय कार्यालय में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने केंद्रीय बजट को लेकर भी केंद्र सरकार की आलोचना की। कहा कि इस बजट में साफ हो गया है कि देश पूंजीपतियों के हाथों में जकड़ गया है और देश को मजबूत करने वाले किसानों को जकड़ने का काम किया गया है।
जिनसे सिंघू बॉर्डर के लिए अपने काफिलों में रवाना होने से पहले पत्रकारों के सवालों के जवाब देते अभय सिंह ने कहा कि लगभग 200 किसानों के आंदोलन में मौत हो चुकी है। इसके बावजूद भारत के प्रधानमंत्री ट्रस्ट से मस होने की बजाय वह चीन जैसी दीवार बनाने के कार्य कर रहे हैं। आरोप लगाया कि चीन को हमारे देश में रोज घुसपैठ हो रही है, उसे रोकने के बजाय किसानों को रोकने के लिए सरिये खड़े कर कंक्रीट की दीवारें बना दी गई हैं। बीजेपी नेता के घर के बाहर लिखा, किसान एकता जिंदाबाद, नेता बोले किसानों को बदनाम करने की साजिश। हरियाणा में किसान आंदोलन के समर्थन में बीजेपी नेताओं का विरोध जारी है। हिसार में बीजेपी नेता और पूर्व मंडल अध्यक्ष सुरजीत कुमार के निवास के बाहर असामाजिक तत्वों ने किसान एकता जिंदाबाद के नारे और गालियां लिखती हैं। वहीं बीजेपी नेता सुरजीत ने कहा कि सोमवार रात को असामाजिक तत्वों ने नारे लिखे हैं। उनके निवास पर लगे बोर्ड व कॉलोनी के बाहर लगा उनके निवास स्थल को दर्शाता बोर्ड पर ये नारे लिखे गए हैं और उनको तोड़ दिया गया है। वहीं बीजेपी नेता ने कहा कि सोमवार रात को असामाजिक तत्वों ने ये नारे लिखे हैं जो कि किसानों को बदनाम करने की कोशिश की गई है। हरियाणा के कंडेला गांव में 3 फरवरी को होगी किसानों की प्रदेश स्तरीय महापंचायत। हरियाणा के जिंद जिले में कंडेला गांव स्थित खेत स्टेडियम में 3 फरवरी को किसानों की प्रदेश स्तरीय महापंचायत होगी, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत और रामफल कंडेला सहित अनेक किसान भाग लेंगे। कंडेला स्थित खेल स्टेडियम का सोमवार को निरीक्षण करने के उपरांत भाकियों के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने बताया कि इस किसान महापंचायत का आयोजन कंडेला खाप की ओर से किया गया जा रहा है। खाप प्रधान इसमें दर्जनों खाप पंचायतों के प्रधान भी इसमें शामिल होंगे। आंदोलन से डरी सरकार, ट्रेन से दिल्ली कूच कर रहे किसानों का रास्ता किया गया परिवर्तित। राकेश टिकैत के आंसुओं के बाद अब एक बार फिर से पंजाब से दिल्ली जाने वाले किसानों का सिलसिला फिर शुरू हो गया है, जिसको लेकर अब ऐसे में किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों लेकर या निजी वाहनों से दिल्ली कूच करने लगे। इतना ही नहीं, जिन किसानों के पास ट्रैक्टर व निजी वाहन नहीं, वे ट्रेनों के जरिए दिल्ली में कूच कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो खबरें सामने आ रही हैं, जो आरोप किसान नेता लगा रहे हैं, वो है हैरान कर देने वाला। रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब से दिल्ली जाने वाली ट्रेनों के या तो रूट बदल दिए गए हैं या फिर उन्हें रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद किसानों में सरकार के प्रति ज़्यादा नाराजगी बढ़ गई है। अंबाला में किसानों ने कहा कि आंदोलन को कमजोर करने के लिए यह सरकार की ऊंची हरकतें कर रही है। शंभू बॉर्डर पर किसान नेताओं का कहना है कि ऐसे हथकंडों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 फरवरी से गुरुग्राम में शुरू होगा डायल 112 का ड्राई रन। हरियाणा के गृह मंत्री विज ने कहा कि प्रदेश में इमरजेंसी रिस्पॉन्स व सपोर्ट सिस्टम डायल 112 की इस वर्ष 31 मार्च पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से नए भवन का निर्माण किया गया है। सी डेक को करीब 152 करोड़ रुपए या वर्क का ऑर्डर दिया गया है। हरियाणा पुलिस के इस हाईटेक प्रोजेक्ट के तहत करीब 94 करोड़ रुपए की 630 नई इनोवा गाड़ियां खरीदी जा चुकी हैं, जिसमें उपकरण लगाने का काम शुरू हो गया। इसके लिए करीब 4700 कर्मचारियों को लगाया जाएगा। ऑक्सीजन पर चल रहे गृह मंत्री विज के हौसले में कोई कमी नहीं है। सोमवार को विज दफ्तर पहुंचे, कामकाज निपटाने के बाद ही डॉक्टरों की टीम ने उनका ब्लड सैंपल भी लिया। 9वीं और 11वीं की कक्षा में दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए बड़ी राहत। हरियाणा सरकार ने 9वीं और 11वीं की कक्षा में दाखिला लेने के इच्छुक छात्रों के लिए बड़ी राहत प्रदान की है। विद्यालय शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि कोविड-19 महामारी को मद्देनजर रखते हुए सरकारी स्कूलों में 9वीं और 11वीं की कक्षाओं में दाखिला लेने की तारीख को बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया गया है। खट्टर का बयान, बोले सीम विंडो और हर समय पोर्टल पर मिली शिकायतों की जांच से 85% लोग संतुष्ट। 2020 में सीएम विंडो और हरियाणा पुलिस के हर समय पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों पर हरियाणा पुलिस द्वारा की गई निवारण संबंधी कार्रवाई पर प्रदेश भर में औसतन 85% शिकायतकर्ताओं ने संतुष्टि जाहिर की है। हरियाणा पुलिस के महानिदेशक मनोज यादव ने बताया कि इसका खुलासा रैंडम आधार पर किए गए एक राष्ट्रव्यापी टेलीफोनिंग सर्वेक्षण में हुआ है, जहां शिकायतकर्ताओं को अपनी शिकायतों के निवारण से संबंधित संतुष्टि स्तर पर प्रतिक्रिया देने के लिए संपर्क किया जाता है। कटकर टोल पर किसानों के धरने के बीच पहुंचेंगे राकेश टिकैत। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत 3 फरवरी को जींद के खटकर टोल प्लाजा पर चल रहे किसानों के धरने के बीच पहुंचेंगे, जिनका स्वागत कंडेला खाप व सर्वजातीय राष्ट्रीय खाप करेगा। यहां टिकैत के आगमन को लेकर कंडेला खाप की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। जींद के कंडेला में टिकैत के स्वागत के लिए 7 एकड़ में सभा स्थल बनाया गया है। वहीं टिकैत को बांगर खान पान का परिचय देने के लिए बांगर के देसी खाने की व्यवस्था भी की गई है। ओम प्रकाश धनखड़ बोले, आमजन के सपने और आशाओं को पूरा करने वाला बजट आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बताया। उन्होंने MSP और मंडियां खत्म करने का दुष्प्रचार करने वाले विपक्ष को खरारा जवाब देते हुए कहा कि बजट में 50% लागत खुले पर लाभ लेना सुनिश्चित किया गया है।
बजट आम आदमी के सपने को साकार करने, रामजन की आशाओं को पूर्ण करने वाला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट में माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए 5,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। 1,000 मंडियों को ई नाम से जोड़ा जा रहा है। मंडियों में इंटरनेट से जुड़ेंगी। MSP को एग्री इंडिया फंड से जोड़ा जाएगा। हरियाणा के जिलों में 36 पुलिस अधिकारियों को किए गए तबादले। मरीज को हॉस्पिटल में ले जा रही एम्बुलेंस गाड़ी से टकराई, मरीज और एम्बुलेंस ड्राइवर की मौत। करनाल के हाईवे पर मरीजों को हॉस्पिटल ले जा रही एम्बुलेंस और टवेरा गाड़ी की टक्कर हो गई। इस हादसे में एम्बुलेंस ड्राइवर व मरीज की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार नेशनल हाईवे पर कंबोपुरा के पास एक गाड़ी का टायर पंचर हुआ, इससे गाड़ी खराब थी। तभी पीछे से आई एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने गाड़ी में टक्कर मार दी। एम्बुलेंस में सवार लोगों की जल्द हॉस्पिटल लेकर ले जाया गया, जहां पर एक मरीज और एम्बुलेंस ड्राइवर की मौत हो गई। पत्रकार बंदी पूनिया को 25,000 रुपये के मुचलके पर मिली जमानत। हरियाणा दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर एक मैगजीन के पत्रकार मंदीप पूनिया को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसे आज दिल्ली की रोहिणी कोर्ट से जमानत मिली है। कोर्ट ने पूनिया को 25,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दी। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने मंदीप पूनिया को 30 जनवरी को सिंघू बॉर्डर पर किसानों के घटनास्थल से गिरफ्तार किया था। सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस द्वारा पत्रकार मंदीप पूनिया को SHO से दुर्व्यवहार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें मंदीप सुरक्षा के लिए लगाए गए बैरिकेडिंग को लांघते हुए नजर आ रहे थे। उनको पुलिस कर्मियों ने वापस कर लिया। मंदीप की गिरफ्तारी के बाद पत्रकारों में रोष भी देखा गया। कृषि कानूनों को लेकर लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा, दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित। कृषि कानूनों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, इसके बाद दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के ने कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की है, लेकिन सदन में जमकर नारेबाजी की गई, इसके चलते कई सदन की कार्रवाई जो है वो स्थगित करनी पड़ी है। फिलहाल फटाफट खबरों के इस अंदाज में इतना ही। आप सभी से गुजारिश, किसान आंदोलन को अगर आप सपोर्ट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर जय किसान जरूर लिखिएगा। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि हर अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। आप सबका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। 20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, बेल अर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली।